ये मोदी साहब जो है 400 रुपया जब सिलेंडर था बहुत फेंके उन्होंने, बहुत कुछ बोले, अरे भाई मैं नीचे करता हूँ इसको, दाम इसका नीचे करता हूँ, कम करता हूँ बोले, करके वोट हासिल कर लिए, खत्म। 400 रुपये वाला सिलेंडर को 1200 कर दिए। इस वास्ते आज केसीआर साहब कह रहे हैं तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो 800 रुपया का इजाफा उन्होंने किया उसको हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे तेलंगाना हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी और आपको सिलेंडर 400 रुपये में दिलाएगी, ये कह रहा था मैं सबसे, अच्छी बात है ना। साथ ही साथ एक जबरदस्त न्यू स्कीम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग जिसका नाम है सौभाग्य लक्ष्मी। 18 साल 18 నిండిన ఆడబిడ్డలందరికీ కొత్త కార్యక్రమం ఇది, కోడళ్ళ కోసం ముఖ్యంగా, కోడళ్ళు ఎక్కడున్నారు, కోడళ్ళు ఇక్కడున్నారు, అత్తలు ఎక్కడున్నారు, అత్తలు ఇక్కడున్నారు, కోడళ్ళు కోడళ్ళు కోపంగా ఉన్నారు మా మీద, మా అత్తలకు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు మా సంఘ 18 సాల్ కే ఊపర్ జో హమారే ఖవాతీన్ హై ఆప్ సభీ కో మహిళాయే హై ఆప్ సభీ కో ఇస్ 3 తారీఖ్ దిసంబర్ కే బాద్ 3000 రూపాయ మహినా ఏక్ నయా స్కీమ్ హమ్ లోగ్ చాలూ కర్ రహే హై పెన్షన్ దేనే కా जिसका नाम है सौभाग्य लक्ष्मी, आप सबको भी मिलेगा। 18 साल के ऊपर जो भी है आप सबको मिलेगा। साथ ही साथ राधे का इनको नहीं अरे इकड़ जारी बोतल नोपे नंबर व्हाइट राशन कार्ड पे जितने भी हमारे बहने आप सुन ले, आज जो मोटा चावल मिल रहा ना आपको व्हाइट राशन कार्ड पे उसको हटा के 3 तारीख के बाद बारीक चावल देंगे आपको, सन्ना बीएम देंगे, बारीक चावल बोलते ना उसको, बारीक चावल ही बोलते ना, बारीक चावल देंगे। साथ ही साथ चौथा प्रोग्राम भी, चौथा एक अच्छा प्रोग्राम है, जिस किसी के पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, तिल्ल कार्ड ढूंढना, प्रति कुठाई है, बहन है यहाँ पे, आप तमाम भाइयों से बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, आप देख रहे हो हैदराबाद में किस कदर हम लोग साथ भाइयों की तरह एक अमन के साथ, खुशहाली के साथ, भाईचारे के साथ हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ आज सुकून से जी रहे हैं आप देख रहे हो। पिछले 9.5 सालों में एक भी दिन कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं पड़ी। पिछले 9.5 सालों में एक दंगा नहीं, एक फसाद नहीं। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से, हमारे जितने भी यहाँ पे और अन्य भाई भी है, आप तमाम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हैदराबाद को हम लोग गड़बड़ाएंगे, इस यहाँ पे अगर गड़बड़ होगा तो पूरा तेलंगाना के साथ नुकसान होगा, क्योंकि हैदराबाद हमारे लिए इकोनॉमिक इंजन है। तो हैदराबाद अगर इसको सेफ रखना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना है, एक स्टेबल गवर्नमेंट और एबल लीडर की जरूरत है। बलमैन नायकत्वं स्थिरमैन प्रभुत्वं उंटेने पेट्टुबडुलु वस्तायि, शांति भद्रतलु बागुंटायि। एक केसीआर साहब को मारने के लिए, एक केसीआर साहब का गला दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, दिल्ली से मोदी, अमित शाह, योगी, बोगी, वो बोगी में 15 सीएम, उसके पीछे 15 केंद्र मंत्री, एक तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे तरफ से डीके सिद्धरामैया बेंगलुरु से, इतने बड़े बड़े लोग, शेरलू, शमशेरलू, बब्बर खानलू, तीसमार खानलू, अंदर दिगुतुनरु ओक्का केसीआर ने कोटितंदु। ఎంతుంటాడు భాయ్ కేసీఆర్ గారు, యా సల్మాన్ భాయ్ హై బహన్ హై, ఆప్ లోగో సే భీ మై ఏక్ చీజ్ కహనా చాహతా హూం, ఆప్ ఏక్ మినిట్ కే లియే సోచియే, ఆజ్ జో భాయ్చారా ఔర్ అమన్ యహాన్ దేఖనే కో మిల్ రహా హై, జో ఖుషియాలీ హమారే బీచ్ మే హై, యే మాహోల్ పూరే హిందుస్తాన్ మే కోయి ఔర్ రియాసత్ మే నహీ హై। అగర్ ఆప్ దేఖేంగే ఆజ్ ఖులేఆమ్ బోలా జాతా హై పార్లమెంట్ మే, ఆప్ ముస్లిమాన్ హో ఇసిలియే ఆప్ మూలా హో, ఆతంక్వాదీ హో, ఉగ్రవాదీ హో, ఖులేఆమ్ బోలా జా రహా హై। ఆజ్ జో మాహోల్ జో బేచేనీ बाहर तेलंगाना के बाहर बाकी मुल्क में है, वो आज तेलंगाना में नहीं है। आज यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, जो भी हो, आज एक ही रिस्पेक्ट आपको दिया जाता है, हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत दिया जाता है। कल छठ पूजा हुआ था, छठ पूजा के दिन हमारे बिहारी भाई, हमारे नॉर्थ इंडियन भाई आए थे, पूजा कर रहे थे हुसैन सागर में और अन्य जगह, उनकी सारी प्रोटेक्शन, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली। आज अगर आप एक मिनट के लिए सोचेंगे, आप सोच के समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आज एक आदमी है दिल्ली से आने वाला, राहुल गांधी, आदत से मजबूर है बेचारा, कोलकाता जाता है, पप्पू जाके बोलता है दीदी आप बीजेपी के बी टीम हो, वहां से जाता है दिल्ली, दिल्ली में बोलता अरविंद केजरीवाल तुम बीजेपी के बी टीम, यहां आके बोलता
केसीआर तुम बीजेपी के बेटे। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने ठेका ले रखा है क्या? मुसलमानों के वोट पे, क्रिश्चियन के वोट पे, आपके ख्वाब पे ये लोग ठेका लिए क्या? ठेकेदार है क्या? आज अगर कोई अमन पसंद चीफ मिनिस्टर है, अगर माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर है, केसीआर जी अगर आपके साथ काम कर रहे हैं, इनको क्या एतराज है? आज यहां आके डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं बी टीम, काय का बी टीम? हम तो डरेंगे नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते हम, नरेंद्र मोदी से क्या डरेंगे? हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जब तक रहेंगे सियासत में, जब तक रहेंगे राजनीति में, सेक्युलर ही रहेंगे, उनका साथ किसी भी हाल में नहीं देंगे। हां, कोशिशें जारी है हमको डराने की, धमकाने की, दबाने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट गर्दन कट जाए परवाह नहीं, सर नहीं झुकाएंगे दिल्ली के सामने, सेक्युलर ही रहेंगे, आगे जाके भी सेक्युलर ही रहेंगे। एक वादा आपसे करते हैं, आप सोचिएगा, पिछले 9.5 साल में केसीआर साहब ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 12,780 करोड़ खर्च किया। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते या किसी और के दोस्त होते, क्या ये काम कर पाते हम? साथ ही साथ 204 स्कूलों की आज टिमरिस के स्कूलों की तश्कील की गई, किसके वास्ते? पूरे हिंदुस्तान में कोई रियासत में ये हालत है? हमारे बच्चों के तालीम के वास्ते, हमारे बेटियों के तालीम के वास्ते आज 700 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जा रहा है, करीब करीब 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमारे बच्चों के ताकत, हिम्मत और काबिलियत बढ़ाने के लिए, दुनिया से लड़ने की काबिलियत में लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक चीफ मिनिस्टर ऐसा दिखाइए जो अगर आपका बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो 20 लाख रुपया देके ओवरसीज स्कॉलरशिप देने वाला एक चीफ मिनिस्टर मुझे दिखाइए। आज आके बकवास करते हैं कांग्रेस वाले। मैं पूछना चाहता हूं, 55 साल कांग्रेस को मौका देने के बाद आपने उनको 11 बार मौका दिया, आपने बार बार मौका दिया उनको, उन्होंने बार बार धोखा दिया आपको। 55 साल हुकूमत चलाने के बाद अगर इस देश में, इस मुल्क में मुसलमान गरीब है तो कौन जिम्मेदार है उसका? 55 साल हुकूमत चलाने वाले कांग्रेस जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सोच समझ के वोट दीजिएगा। मैं आप भाइयों से एक ही चीज कहता हूं, आज जो गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद में देखने को मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आपने देखा होगा गणेश विसर्जन और मिलाद उन नबी एक ही दिन आने लगे, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमने पूछा नहीं उनको, हमने गुजारिश नहीं की उनसे, कोई दरख्वास्त नहीं की, हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में फैसला लिया कि गणेश और मिलाद अगर एक दिन होंगी तो खाली पीली झगड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने तय किया, फैसला लिया कि हम लोग 2 दिन बाद मनाएंगे। ये है गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद की, ये है भाईचारा हैदराबाद की। मैं आप तमाम भाइयों से कहता हूं, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिए हमें एक चीफ मिनिस्टर जो अमन पसंद चीफ मिनिस्टर है, जो मुसलमान दोस्त चीफ मिनिस्टर है, दुआ में याद करो, हमारे लिए दुआ करो और इंशाल्लाह जीत के वापस आएंगे, सनत नगर में शानदार तरक्की आपको दिखाएंगे। कौन सी निशान है? याद रखिए, कार हमारी निशान है, तेलंगाना हमारी पहचान है, केसीआर हमारे शान है। जय तेलंगाना।